लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ स्टार फिल्म बागी 3 को रिलीज हुए 5 दिन बीत चुके हैं। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई का सिलसिला जारी रखा है। होली की छुट्टी को ध्यान में रखते हुए रिलीज की गई इस फिल्म को इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर फिल्म ने यही रफ्तार बनाकर रखी तो जल्द ही ये 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। फिल्म ने ओपनिंग डे पर शानदार शुरुआत करते हुए 17.50 करोड़ का कलेक्शन किया। शनिवार को फिल्म ने 16.03 करोड़, रविवार को 20.30 करोड़ और सोमवार को 9.06 करोड़ जुटाए। फिल्म का अभी तक का जो कलेक्शन है उसके बाद माना जा रहा है मंगलवार को भी इसने 12 से 14 करोड़ का बिजनेस किया होगा। मंगलवार के आधिकारिक आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। अंग्रेजी वेबसाइट के मुताबिक फिल्म 5 दिन में करीब 75 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में कामयाब रही है। बागी 3 केवल देश में ही नहीं विदेशों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। वीकेंड तक फिल्म ने करीब 17.15 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया है। बागी 3 इस साल की विदेश में सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म भी बन गई है। आने वाले शुक्रवार को इरफान खान और करीना कपूर की अंग्रेजी मीडियम रिलीज होने वाली है। ऐसे में बागी 3 के कलेक्शन पर असर पड़ सकता है। फिल्म में टाइगर श्रॉफ के अलावा श्रद्धा कपूर, अंकिता लोखंडे, दिशा पाटनी, रितेश देशमुख और जमील खौरी की मुख्य भूमिका है। फिल्म का निर्देशन अहमद खान ने किया। इसे फॉक्स स्टार स्टूडियोज और साजिद नाडियाडवाला ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। बागी 3 का बजट लगभग 70 करोड़ है। देश में इसे 4,400 स्क्रीन्स और विदेश में 1,100 स्क्रीन्स मिले हैं। कहानी की बात करें तो टाइगर श्रॉफ यानी रॉनी और उसके भाई रितेश देशमुख यानी विक्रम के इर्द गिर्द घूमती है। रॉनी अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता है। हालात कुछ ऐसे बन पड़ते हैं कि विक्रम को बचाने के लिए रॉनी को सीरिया जाना पड़ता है, जहां उसका मुकाबला एक दुश्मन के साथ नहीं बल्कि एक देश के साथ है।